लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में चल रहा है और जैसा कि सारे ही चरणों में देखा गया है कि चाहे राजगद्दी पर बैठे नेता हो या फिर विपक्ष में बैठे नेता, किसी ने भी किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणी देने से खुद को पीछे नहीं छोड़ा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद इसकी निंदा न केवल विपक्ष ने करी बल्कि बीजेपी ने भी साध्वी के इस बयान से खुद का किनारा कर लिया और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी। लेकिन अभी ये मामला थमा ही नहीं था कि मोदी सरकार में मंत्री अनंत हेगड़े का एक बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा है कि मैं खुश हूं कि करीब 7 दशक के बाद आज की पीढ़ी नए बदलाव के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इस चर्चा को सुन आज नाथूराम गोडसे अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक ट्वीट के रिप्लाई में अनंत ने ये तक लिखा कि अब समय है कि आप मुखर हों और माफी मांगने से आगे बढ़ें। अब नहीं तो कब। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और उन्हें अपने इस बयान का खेद भी है। आपको याद दिला दें कि अनंत हेगड़े वही मंत्री हैं जो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आते रहते हैं। मोदी सरकार बनने के कुछ समय बाद ही उनका संविधान बदलने को लेकर जो बयान आया था उसने उनको पूरे राष्ट्र में पहचान दिलाई और अब 23 मई 2019 को आने वाला है इलेक्शन 2019 का रिजल्ट और अब इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या यहां पर बीजेपी की जीत में रोड़ा बना है प्रज्ञा और अनंत हेगड़े का ये बयान या नहीं। SBN 9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।